संभल के चंदूसी नगर में पानी की सप्लाई 8 दिन से अवरोधित होने पर नागरिकों ने ब्रह्म बाजार में 2 घंटे धरना प्रदर्शन किया। नागरिकों का कहना है कि 8 दिन से नगर की पानी की सप्लाई बंद है, नहाने खाने पकाने पीने के लिए पानी को तरस रहे हैं। चेयरमैन भ्रष्टाचार से लिप्त है। सभासद पप्पू चौधरी कहते हैं, नया मोटर आया, चेयरमैन और मोटर सप्लायर में सौदा नहीं पटा तो उसका मोटर वापस कर दिया। चंदूसी कोतवाली प्रभारी ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर अधिशासी अधिकारी राजकुमार को प्रदर्शन स्थल पर बुलाया। अधिशासी अधिकारी के 2 दिन में पानी की सप्लाई सुचारू करने के आश्वासन पर प्रदर्शनकारियों ने धरना स्थल से विस्तर समेटा। जाम आपने जो लगाया है, ये कब तक जाम लगा रहेगा? जब तक जाम लगा रहेगा। जब तक आए अधिकारी हमें बात बताए, क्या हुआ, कब आएगा पानी यहाँ पर? जनता तमाम परेशान है और आज तक के चंदौसी के इतिहास में पानी कभी भी इतने दिन बंद नहीं रहा। इतने चेयरमैन आ गए, पानी नहीं आया तो आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे धरना प्रदर्शन चलते रहेगा, उनके घर पे जाके धरना प्रदर्शन लगाएंगे और आगे हमारा नींद हराम आंदोलन चलेगा। अगर शहर की जनता चैन से नहीं सोएगी तो हम सोने उन्हें भी नहीं देंगे चेयरमैन को। चंदौसी नगर के लोगों ने जाम लगाया पानी को लेकर, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, बीटी पंप था, उसे तत्काल जो है जैसे ही मेरी जानकारी में आया, सुबह 4 बजे से मैंने काम लगवा के उसको निकलवाया है। 1-2 दिन का समय लगता ही है निकालने में, निकलवाने के बाद लोकल लेवल पे बन नहीं सकता था, इसके लिए मैंने मेरठ भेजा है। मेरठ से जो है बन के 2 दिन के अंदर उसके काम शुरू हो जाएगा और पानी की समस्या ना हो इसके लिए मैंने 5-5 टैंक यहाँ लगवाए हैं। एक बैजोई से मैंने मंगाया है, एक नरौली से और 3 मेरे खुद के। अभी जो जिन्होंने जाम खोला है वो किस किस आश्वासन पर जाम खोला है, क्या कहा आपने? नहीं, मैंने ये कहा कि 2 दिन के अंदर वहाँ से मेरठ से आ जाएगा और जल्दी ही आपको 24 की सुबह तक हर हालत में आपको पानी मिलेगा।